हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूँ कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी की रेसिपी के साथ। बिरयानी तो बहुत सारे तरीके से बनते ही है, लेकिन कोलकाता स्टाइल दम बिरयानी खाने में एकदम मस्त बनते हैं। घर में जरूर एक बार ट्राई करना। और आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही झटपट से। तो चलिए देख लेते हैं होली स्पेशल रेसिपी, कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी। लेट्स बिगिन। कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 500 ग्राम मटन और इसको ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा बड़ा पीसेस ले लीजिए, इससे मटन बिरयानी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ मसाले। ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बिरयानी बना रही हूँ तो बिरयानी मसाला तो चाहिए ही। ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, ये तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून रोज वाटर, ऐसे ऐड कर दीजिए। ऐड करूंगी 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून विनेगर। अभी ऐड करूंगी 2-3 ड्रॉप बिरयानी एसेंस। ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल। अभी ऐड करूंगी 4 टीस्पून दही। और अभी सारे चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मटन को मैंने मसाला से बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अभी ऐड करूंगी 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। 500 ग्राम के लिए 1 टीस्पून ही इनाफ है। अभी फिर से एक बार मिक्स कर देंगे, ऐसे मिक्स कर दीजिए। मटन हमारी मसाला से बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अभी इसको ढक्कन लगा के फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। इससे ना मटन बहुत अच्छे से मैरिनेट होके रेडी हो जाएगी। अगर आपके हाथों में टाइम कम है तो भी 4 से 5 घंटा के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। तो मैं ओवरनाइट बाद मिलती हूँ। मटन हमारी मैरिनेट होके एकदम रेडी है, तो चलिए अभी पैन चढ़ाते हैं, मटन को कुक कर लेते हैं। देख लीजिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और अभी ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल। ऑयल हमारी गर्म हो गए है, ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून शाही जीरा। ऐड कर दूंगी 2 लौंग, 2 इलायची, हल्का सा फ्राई कर लूंगी। और अभी ऐड कर दूंगी जावित्री, बड़ा इलायची, दालचीनी। सारे चीज फ्राई हो गए हैं, तो अभी ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज का आनियन फाइनली चॉप्ड किए हुए। गोल्डन ब्राउन करके अभी आनियन को फ्राई कर लूंगी। आनियन हमारी गोल्डन होके फ्राई होके एकदम रेडी है, तो अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेट किए हुए मटन के पीसेस। मैंने सारे के सारे मटन पीसेस को ऐड कर दिया है और अभी ऐसे ही एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, तो मटन के पीसेस को अभी पलट देंगे। सारे के सारे मटन पीसेस को मैंने पलट दिया है, देख लीजिए मटन का कलर चेंज हो गए है। तो इस टाइम में ऐड कर देंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन को फर्स्ट में ऐड मत कीजिए, इस टाइम में ऐड कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। और अभी ढक्कन लगा के फिर से 10 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। 10 मिनट हो गए है, ढक्कन हटाएंगे। देख लीजिए मटन हमारी कुक होके एकदम रेडी है। ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दीजिए, तो ऐसे बहुत ही इजी तरीके से मटन कुक होके रेडी हो जाएगी। तो चलिए गैस को बंद कर देती हूँ और नेक्स्ट स्टेप राइस को प्रिपेयर कर लेती हूँ। बिरयानी का सेकेंड स्टेप है राइस को कुक करना, और उसके लिए मैंने ले लिया है बासमती राइस 500 ग्राम। मैंने मटन ले लिया था 500 ग्राम, तो रेशियो 1:1 ले लिया है और इसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो चलिए अभी इसको कुक कर लेते हैं। राइस को कुक करने के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और अभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट।
बिरयानी के लिए कितना सॉल्ट चाहिए वो इस टाइम में ऐड कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में सॉल्ट ऐड करने का और जगह नहीं है, इस टाइम में सॉल्ट को ऐड करनी पड़ेगी। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल। ऑयल देने से राइस पूरा का पूरा खिला खिला बनेगी। साथ ही साथ ऐड कर देंगे लौंग, इलायची, दालचीनी, इससे राइस के अंदर बहुत अच्छा एक खुशबू आ जाएगी जो बिरयानी के अंदर बहुत अच्छी लगेगी। अभी पानी में उबाल आने दीजिए, उसके बाद राइस ऐड करेंगे। पानी में उबाल आ गए है तो अभी ऐड कर दूंगी राइस और इसको बस 70-80% तक कुक कर लूंगी। पूरा के पूरा कुक मत कीजिए, राइस को हाई फ्लेम में कुक कर लीजिए और ढक्कन लगाने का जरूरत एकदम भी नहीं है। देख लीजिए राइस हमारी 70% तक कुक हो गए है, देख लीजिए ऐसा ही चाहिए और ज्यादा कुक मत कीजिए। तो चलिए अभी पानी को ड्रेन कर लेते हैं। देख लीजिए पानी को ड्रेन कर दिया है और राइस कितना खिला खिला है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यही है बिरयानी का थर्ड स्टेप, लेयरिंग। और उसके लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, हेवी बेस वाला, तो मैंने ले लिया है। और अभी इसके अंदर फर्स्ट में राइस का एक लेयर कर देंगे, ऐसे हल्का हाथों से ऐसे लेयरिंग कर दीजिए। फर्स्ट लेयर मैंने राइस से तैयार कर लिया है और अभी इसके ऊपर ऐड करेंगे मटन के पीसेस, ऐसे 1 by 1 करके ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया है 2 मटन के पीसेस और अभी ऐड कर दूंगी एग्स। इसको मैंने फ्राई करके रख दिया था बस हल्दी लगा के, क्योंकि कोलकाता स्टाइल दम बिरयानी में एग्स एंड पटेटो के बिना ये तो नहीं हो सकते हैं। तो ऐड कर रही हूँ पटेटो, जिसको मैंने सेम प्रोसेस में हल्दी लगा के फ्राई कर लिया है। ऐड कर दूंगी ऊपर से थोड़ा सा बेरिस्ता, ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐसे। और अभी फिर से राइस का एक लेयर कर दूंगी ऊपर से ऐसे। ऐड कर दूंगी मटन के पीसेस ऐसे। ऐड कर दूंगी पटेटो, ऊपर से ऐड कर दूंगी थोड़ा सा बेरिस्ता और अभी फिर से ऊपर से और एक राइस का लेयर कर देंगे। ऐसे आप आपके क्वांटिटी के हिसाब से लेयरिंग कीजिए। स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ऊपर से फिर से ऐड कर देंगे बेरिस्ता, ऐड कर देंगे 2-3 ड्रॉप मीठा आतर। इसके बिना कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी रेडी नहीं होते हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी ऐसे, इससे बहुत अच्छा एक एरोमा आते हैं। ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून रोज वाटर ऐसे, साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर, इससे बहुत अच्छा एक एरोमा आ जाते हैं। ऊपर से ऐड करेंगे सैफ्रन वाटर, ये बस कलरिंग के लिए है ऐसे ऐड कर दीजिए। अभी बिरयानी के लेयरिंग तो हमारी रेडी हो गए थे, तो अभी एक फॉइल पेपर से ऐसे रैप कर देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो चलिए अभी दम पे चढ़ाते हैं। गैस के ऊपर एक बड़ा सा तवा मैंने प्लेस कर दिया है, फ्लेम को बिल्कुल लो में कर दीजिए और उसके ऊपर अभी बिरयानी को प्लेस कर दीजिए। अभी ऐसे लो फ्लेम में 30 मिनट के लिए इसको कुक कर लीजिए। 30 मिनट के लिए ऐसे दम पे रहेंगे, उसके बाद 10 मिनट रेस्ट। 30 मिनट हो गए हैं और हमारी कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी अभी एकदम रेडी है। तो चलिए सर्व कर देते हैं। ढक्कन हटाइए और देखिए अभी आ जाएगी एरोमा। हमारी कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी कितना अच्छा बना है देखिए। तो चलिए देख लीजिए मेरी कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।